हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राव टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं फ्यूजिंग रेटिंग ऑफ कलर कोडिंग। आपने प्रतिरोधों की कलर कोडिंग तो बहुत से टीचरों से पढ़ी होगी, लेकिन आजकल के एग्जाम्स में फ्यूजिंग कलर कोडिंग के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। उन्हीं को देखते हुए जैसे कि केवीएस में आया था कि रेड जो कलर है उसका फ्यूज का, तो उसकी फ्यूजिंग करंट कितनी होगी। ठीक है, तो आज जो आप पढ़ लोगे, जैसे कि आपने जैसे कि गाड़ियों में देखा होगा, ट्रैक्टर में देखा होगा, या किसी भी ज्यादातर डीसी परिपथों के ये है फ्यूज, पर फिर भी कई जगह एसी में भी काम ले सकते हो, जैसे कि कम रेटिंग के अंदर। आपने देखा होगा कि ऐसे छोटे छोटे इस क्लिप टाइप के उसके अंदर फ्यूज लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के कलर्स होते हैं और उन्हीं कलर की एक निश्चित कलर एम्पियर जो अपनी होती है रेटिंग, जिसको अपन करंट रेटिंग बोलते हैं, वो उसके ऊपर निर्धारित होती है, ना कि उस पर लिखी हुई कम ही पाई जाती है, ज्यादातर कलर के अकॉर्डिंग ली जाती है। तो चलिए देखते हैं, मैं एक एक करके हर एक का आपको बताऊंगा, लास्ट में सारणी दिखा दूंगा, उसके बाद में आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला कलर आता है अपना ब्लैक, और ब्लैक की फ्यूजिंग करंट जो होती है वो होती है 1 एम्पियर की। देन इसके बाद में दूसरा नंबर का आता है ग्रे कलर का, और ग्रे कलर की फ्यूजिंग करंट जो होती है वो 2 एम्पियर होती है। ठीक है, देन इसके बाद में वोलेट की बात करें तो वोलेट मतलब बैंगनी या पर्पल कलर भी आता है, तो उसकी होती है फ्यूजिंग करंट 3 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन पिंक कलर की, और पिंक कलर की फ्यूजिंग करंट होती है 4 एम्पियर। देन इसके बाद में बात करते हैं अपन टन, यानी कि जो स्किन, टन लिखा जाए, स्किन लिखा जाए, गेहुआ आ जाए, वो आप इंग्लिश के अंदर टन लिखा आएगा। ठीक है, उसका फ्यूजिंग करंट जो होती है वो 5 एम्पियर होती है। देन इसके बाद में बात करें अपन ब्राउन की, तो ब्राउन कलर की फ्यूजिंग करंट होती है 7.5 एम्पियर तक। अब वो 7 आ जाए, 7.5 आ जाए, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देन इसके बाद में आ जाए रेड, तो रेड का होता है कितना, 10 एम्पियर फ्यूजिंग करंट होती है। देन इसके बाद में बात करते हैं ब्लू की, तो ब्लू की 15 एम्पियर फ्यूजिंग करंट होती है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं तो बड़ा ही प्यारा कलर होता है येलो, जिसकी कितनी होती है, 20 एम्पियर फ्यूजिंग करंट होती है। इसके बाद में व्हाइट की बात करें या क्लियर की बात करें, क्लियर या व्हाइट एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसकी होगी 25 एम्पियर। ठीक है, देन इसके बाद में बात करते हैं अपन ग्रीन की, तो ग्रीन की होगी 30 एम्पियर फ्यूजिंग करंट। आगे चले एक्वा ब्लू, आप ना तो उसको आसमानी बोल सकते हैं, मतलब आसमानी और ज्यादा जो बिल्कुल ब्लू वाला है उसका मिड में आता है कौन सा, एक्वा ब्लू। ठीक है, उसकी होती है 35 एम्पियर फ्यूजिंग। लास्ट अपना है ऑरेंज, जिसको नारंगी बोलते हैं, और उसकी फ्यूजिंग करंट है 40 एम्पियर। ठीक है, एक बार आप सामने देख लीजिए, देन उसके बाद में कंप्लीट करते हैं।